सर, आज क्राइम ब्रांच ने लगभग 3 दर्जन लोगों को अरेस्ट करा है। सर, आप जनता को बताएंगे क्या है पूरा मामला? ये स्प्रिंगफील्ड कॉलोनी है, सेक्टर 31 एरिया में। वहाँ पे एक फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा था। क्राइम ब्रांच की टीम पेट्रोलिंग पर थी, तो उनको सूचना मिली। तो सूचना के आधार पर उस पर वहाँ पे चेकिंग करने से पहले डीसीपी क्राइम श्री हेमेंद्र कुमार मीणा से सर्च वारंट लेकर वहाँ पे छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान वहाँ पे करीब 30 से 35 और युवक युवतियाँ वहाँ पे काम कर रहे थे, और जो कि पूरा कॉल सेंटर का सेटअप था। वहाँ पे जब उनको चेकिंग की तो पाया गया कि वो यूएस में जो वहाँ के जो नागरिक हैं उनसे बात कर रहे थे वो, और उनकी जो भी कुछ सॉल्यूशंस थे प्रॉब्लम के उनको सॉल्यूशंस बता रहे थे, उनको सुझाव जो दे रहे थे कि भी क्या करना चाहिए, और अपने आप को अमेरिकन बैंक के कर्मचारी शो अप करके और उनको सर्विस दे रहे थे, और उनकी अगेंस्ट वो डॉलर में ही वहाँ से ऑनलाइन पेमेंट ले रहे थे, जो कि इस फर्जी कॉल सेंटर का जो एक सरगना है जिसका अभी हम नाम पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, उसकी वहाँ खाते में जाता था और उसी ने इन सबको हायर किया है, और वो इनको पेमेंट इनको अपने सर्विस के बदले में पेमेंट दे इनको देता था। 25 इसमें जो आरोपी हैं वो लड़के हैं और 11 लड़कियां हैं, जिनको अरेस्ट करके मुकदमा दर्ज करके अरेस्ट किया गया है, और उनका मेडिकल करा के अभी कोर्ट में पेश किया जा रहा है। और जिनमें से एक जो इनको सुपरवाइज करता था यहाँ लोकल फरीदाबाद में, उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। पुलिस रिमांड के दौरान उनसे जो मेन आरोपी है, जो सरगना है इस फर्जी कॉल सेंटर का, जो ये ठगी कर रहे हैं उसका, उसके बारे में जो वेयर अबाउट पता करके उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। धन्यवाद सर।